माननीय विधायक महोदय से आग्रह करना चाहेंगे कि हम लोगों को देखें और हमारी जो रोड की स्थिति है उसमें सुधार किया जाए, सुधार करें। और किनको कहेंगे? फिर भी शेखर यादव जो है इस रोड को एक बार नहीं देखता है कि यहाँ पे रोड की जो समस्या है ये आप देख सकते हैं कितनी गंभीर है। और यहाँ पे देख सकते हैं मतलब कि गाड़ी पलटने की कितनी ज़्यादा चांसेस यहाँ पे रहती है, ये देख सकते हैं। आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ और भी दिखाने की कोशिश करता हूँ, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। और यहाँ के जो विधायक है यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हाथ पे हाथ लेके सोए रहते हैं। तो चलिए मैं वीडियो को दिखाना चाहूँगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फिर से एक नए ब्लॉग में स्वागत है। अभी हम सौगढ़ में ही हैं, अभी हम सौगढ़ से मधेपुरा की सफ़र कर रहे हैं और आप देख सकते हैं और आपकी रोड की जो हालत है वो मैं दिखाना चाहता हूँ। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। मतलब कि रोड का नज़ारा देख सकते हैं एकदम जर्जर की हालत में है। वो ट्रैक्टर अगर मतलब कि अगर ज़्यादा लोडिंग रहेगा तो मतलब उलट भी सकता है, ये आपको हम जूम करके दिखा रहा हूँ। और जो हमारे मधेपुरा के जो विधायक हैं वो भी इसी रास्ता से सफ़र करते हैं। लगभग में अगर मधेपुरा जाना हो तो मतलब कि इसी रास्ता से चार बार पांच बार सफ़र करेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और आप देख सकते हैं इस रोड की किस तरह से हालत है, खा रहा हूँ। मतलब कि रोड की जो हालत है बहुत गंभीर है। और यहाँ के जो विधायक है यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हाथ पे हाथ लेके सोए रहते हैं। तो चलिए मैं वीडियो को दिखाना चाहूँगा और भी मैं रोड की मतलब कि जो मतलब कि स्थिति है वो मैं दिखाना चाहता हूँ। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को शेयर इतना कीजिएगा कि चंद्रशेखर जो हमारे विधायक हैं माननीय चंद्रशेखर जी उनके तक पहुँच जाए। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सकते हैं रोड की जो हालत है वो बहुत गंभीर है, ये देख सकते हैं कितना गड्ढा है। और ये देख सकते हैं ऑटो वालों कितना परेशानी होती है। तो आप लोग देख के आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और भी मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ नज़दीक नज़दीक से। यहाँ पे देख सकते हैं कितना गड्ढा है और ये देख सकते हैं बाइक को भी जाने में कितना तकलीफ़ होती है। और ये देख सकते हैं और साइड में नदी भी है और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। और देख सकते हैं कितना मतलब ये गंदा रोड है, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हम यहाँ के कुछ लोगों से मिलते हैं, अभी हम चौक पे हैं तो कुछ लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। जैसे कि एक अंकल जी हैं तो उनसे जानकारी लेते हैं मतलब कि इस रोड की जो स्थिति है उसके बारे में। सर आप क्या कहना चाहते हैं, कुछ अपना राय देना चाहते हैं? जी तो बताइए सर। रोड तो अच्छे थोड़े है, ये कितना दिन है रोड, ये बहुतों दिन से ऐसे है जी। तुम लगभग में कितना दिनों से मतलब कि यहाँ पे मतलब कि रोड इस प्रकार से है, मतलब जो हमारे सौगढ़ की रोड है? 30 साल भाग अपने। इलेक्शन से पहले इसको कहीं कहीं चटैया करवाया था रिपेयर जी, और उसके बाद इतना चालू रोड है जो जर्जर है, तो देखिए रहे जी। जैसा कि हमने आपको वीडियो में दिखाए हैं जो मतलब कि एकदम हालत ख़राब है रोड की, एकदम जर्जर है। मतलब कि शायद विधायक जी जो हैं यहाँ के विधायक हैं जो चंद्रशेखर यादव जी हैं, अगर दिन में अगर जाना हो तो इसी होकर के जाते हैं, मेन रूट यही है। फिर भी इस रोड की इस तरह से समस्या है। और भी कुछ लोगों से बात करना चाहते हैं तो सर आप तो मतलब कि हमारे सवालों के थोड़े जवाब देंगे, मतलब कि इस रोड की जो समस्या है आप इसमें क्या कहना चाहते हैं सर? यहाँ से पचगछिया तक रोड गया है, मधेपुरा से पचगछिया तक गया है जी। ये जो है दिन रात चलते रहता है, एक बार रोड बोल नहीं रहता है। फिर भी शेखर यादव जो है इस रोड को एक बार नहीं देखता है। उनका गांव ननिहाल, उसका ननिहाल गांव सोहगड़े में है। फिर भी इस मतलब कि रोड की स्थिति ऐसी है, एकदम गंदी है। रोड का स्थिति बहुत गड़बड़ है, गाड़ी घोड़ा नहीं चल पाता है, आदमी को चलने से मजबूर होता है। मतलब कि खतरा ज्यादा है अगर रोड दिन खतरा होते रहता है। तो चलिए और भी हम कुछ लोगों से मतलब कि बातचीत आप लोग करवाते हैं सर। आप मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार जी, मनहरा घर है। मधेपुरा से यह रोड पचगछिया तक जाती है जी। जहाँ तक रोड की स्थिति की बात है, लगभग 25 से 30 साल इस रोड को बनना हुआ होगा, आज तक इस रोड को कोई देखने वाला नहीं मिला है। जबकि सदर विधायक माननीय चंद्रशेखर बाबू का घर और ननिहाल इसी रोड में है मुख्यतः, फिर भी इस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है आज तक। जबकि
मधेपुरा जिला में और सब गांव में देखते हैं, गली गली रोड है, अब कहीं कच्ची नहीं बचा है, लेकिन इस रोड को देखने वाला कोई नहीं है। तो सर क्या लगता है, मतलब कि बनने की उम्मीद है या फिर इसी तरह रहेगी? हमको तो नहीं लगता है कि बनेगा, जब 25 से 30 साल में इसको रोड को कोई नहीं देखा एक नज़र, तब तो उम्मीद हम लोग खो चुके हैं। मजबूर हैं, इसी रोड पर जाना है, आना है, जान माल की खतरा बनी रहती है। जब तक हम लोग गांव नहीं पहुंच जाते हैं तब तक यह बना रहता है कि गांव पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। तो आप कुछ संदेश देना चाहते हैं हमारे जो विधायक हैं चंद्रशेखर यादव जी, तो उनसे कुछ मतलब कि संदेश देना चाहते हैं? माननीय विधायक महोदय से आग्रह करना चाहेंगे कि हम लोगों को देखें और हमारी जो रोड की स्थिति है उसमें सुधार किया जाए, सुधार करें। और किनको कहेंगे, माननीय विधायक सर को ही न कहेंगे, और किनको कहा जा सकता है? आम जनता का कौन सुनने वाला यहाँ बैठा हुआ है? तो जैसा कि हमने आपको दिखाया और भी हमारी रोड की मतलब कि अभी हम विजिट करते हैं, तो इसी तरह आप लोग वीडियो में बने रहिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आगे और भी मतलब कि रोड की हम दिखाते हैं लोकेशन, और आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा कि यहाँ पे रोड की जो समस्या है ये आप देख सकते हैं कितनी गंभीर है, और यहाँ पे देख सकते हैं मतलब कि गाड़ी पलटने की कितनी ज़्यादा चांसेस यहाँ पे रहती है। ये देख सकते हैं, आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ और भी दिखाने की कोशिश करता हूँ, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो जैसा कि आपने देखा जो सोहगढ़ की रोड थी वो बहुत खराब ही हालत में थी और बहुत जर्जर थी, और ये आप मधेपुरा का रोड देख सकते हैं कितनी, अभी तो मतलब ज़्यादा खराब भी नहीं बोल सकते हैं, फिलहाल में ये ठीक रोड है। जो मैंने रोड की स्थिति दिखाई है उस वीडियो को इतना से इतना शेयर कीजिएगा जो कि हमारे सांसद, जो हमारे मधेपुरा के सांसद है, MLA है, उनके पास तक पहुंच जाए और हमारे रोड की स्थिति को ठीक करे। तो यहीं पे वीडियो करते हैं ख़त्म और मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।